निकट भूतकाल में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृतकाल है। ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। इस अमृतकाल में ये पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है और इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। इस समिट में आए 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत की इस विकास यात्रा के अहम सहयोगी हैं। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था, आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है हो जाएगा। एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई किरण बनकर के उभरा है। भारत की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट है। आज भारत की प्राथमिकता है सस्टेनेबल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज भारत की प्राथमिकता है न्यू एज स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, एआई एंड इनोवेशन। आज भारत की प्राथमिकता है ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इसका पूरा इकोसिस्टम, इसकी एक झलक हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में भी देख सकते हैं। और मेरा तो आग्रह है कि ट्रेड शो जरूर देखें, गुजरात के भी स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी जरूर जाएं।